example number 21, a vertical steep perimeter wall. ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा एट द सेम टाइम।
दो एंगल इक्वल हो गए हमारे लिए, बस इतना ही वहां पर वाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, वाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. तो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल DEF जो है वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है। एबीसी और DEF सिमिलर हो गए, अब हम ये कहेंगे कि जब ये सिमिलर हो गए तो इनका साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो कैसे निकालते हैं, पहला दूसरा अल्फाबेट अपॉन इसका पहला दूसरा अल्फाबेट, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट बी सी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ई एफ, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट ए सी और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट डी एफ। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो जो है ये इक्वल हो गया, ठीक है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रेशियो इक्वल हो गया। अब देखिएगा कि ए बी अपॉन डी ई यानी कि 12 अपॉन एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी कितना है 8 और ई एफ कितना है 14। और ना तो मेरे को ए सी पता ना मेरे को डी एफ पता, तो मेरे को निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एच इन टू एट इज इक्वल टू 12 इंटू 40 और भाई 8 फाइव ज़ा 40 और 12 फाइव ज़ा 60। तो टावर की हाइट कितनी हो गई, 60 मीटर का हो गया टावर, क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हम ये देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 21 था, एग्जाम्पल 21 के बाद एग्जाम्पल नंबर 22 देखिएगा। 22 में इन द गिवन फिगर एक्स को एक्सप्रेस करना है ए बी और सी के टर्म्स में, ये हमको काम करना है। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे, फिगर देखिएगा क्या करेंगे, इसको देखें आप कि क्या दे रखा है आपको, ये ए बी और सी दे रखा है और ये कह रहे हैं कि इस फिगर के हिसाब से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ए बी और सी के टर्म्स में, ठीक है, ए बी और सी के टर्म्स में कैसे निकाल पाएंगे इसको देखिएगा। हम ये कहेंगे आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल है के ई एम और एक ट्रायंगल है के एल एम,
पैरेलल के पी एन और के एल एम। तो ट्राइंगल के पी एन और ट्राइंगल के एल एम, इसमें क्या होगा, ये दोनों जो अंतर है कि ये इस छोटे ट्राइंगल में भी और इस बड़े ट्राइंगल में भी है, तो कॉमन अंतर होगा, कॉमन अंतर होगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी के एन इज इक्वल टू एंगल एल के एन, एल के एन ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल हो गया। उसके बाद इस वाले में के पी एंगल, एंगल के एन पी इज इक्वल टू एंगल के एम एल, दोनों 46 डिग्री के इक्वल दे रखे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए, दो एंगल इक्वल आते ही हम कहेंगे कि डबल ए सिमिलैरिटी से हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इसमें मुझे सीक्वेंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ठीक ले रखा है। आप ये देखिए, मैं ट्राइंगल के पी एन लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा ट्राइंगल के पी एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एल एम, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स को मैं ऐसे सिमिलर लिखूंगा और दिखाई दे रहा है कि सही है कि इसका एंगल के और इसका एंगल के, पहले प्लेस पर के लिखा है, इधर भी पहले प्लेस पर के लिखा है, तो यानी कि दोनों के एंगल के इक्वल है। दूसरे प्लेस पर पी और एल लिखा हुआ है, तो पी और एल इक्वल होंगे। तीसरे प्लेस पर, तीसरे प्लेस पर एम और एम लिखा हुआ है, तो इसका एंगल एम और इसका एंगल एम इक्वल है। हमारा सिक्वेंस जो हमने ले रखा बाई डिफॉल्ट वो ठीक है। तो ट्राइंगल के पी एन और ट्राइंगल के एल एम, ये दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स क्या है, एक्स तो साइड है ना, ए बी और सी भी साइड्स, साइड्स के टर्म्स में निकाल दीजिए, ठीक है। जब दोनों सिमिलर हो गया तो क्या है दूसरा अल्फाबेट के बी, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट के एन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट पी एन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट एल एन, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट के एन, और ऐसे इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट के एन, ये हो गया, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। अब आप वैल्यूज डाल दीजिए, आंसर आपका अपने आप ही आ जाएगा। देख लो के पी और के एन, इनकी वैल्यूज देखो कितनी कितनी होंगी। के पी कितना है, के से लेकर पी तक मुझे नहीं पता कितना है, ऐसे के एल कितना है ये मुझे पता नहीं, तो ये वाला रेशियो छोड़ दो, मैंने काम कर लिया, ठीक है। इस वाला रेशियो को छोड़ दीजिए, लिख दो चाहे तो ऐसे ही वापस के पी अपॉन के एन, पी एन अपॉन एल एम, ये इनको दे रखा है। पी एम कितना है एक्स है और एल एम कितना है ए है, तो लिखो एक्स अपॉन ए। के एन कितना है, के से लेकर एम तक कितना है सी, तो लिखिएगा सी। और के एम यानी कि के से लेकर एम तक कितना है बी प्लस सी, बी प्लस सी। मेरे काम का ये जो दोनों रेशियोज हैं ये मेरे काम के हो गए। एक्स की वैल्यू निकालनी है ए बी और सी के टर्म्स में, तो ठीक है डिनोमिनेटर वाला ए है इसको उधर ले जाइए, तो एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। बता दोगे पीछे क्लियर है, तो दिखाई दे रहा पीछे से, इसके बाद अगला देखते हैं। ये एग्जांपल 23 भी छोड़ रहा हूँ, ये भी आसान है। ट्वेंटी फाइव करवा रहा हूँ, ये जरा ढंग का क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 25 आसान इन द सेंस, मतलब इस तरीके के हमने कर रखे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा कुछ अलग दिखता है क्वेश्चन, तो मैं करवा रहा हूँ आपको, काफ़ी कर ली है हमने इसके एग्जाम्पल्स। आप सबको भी ना ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने आर डी ले रखी हो या आर एस ले रखी हो, जो भी बुक ले रखी हो, उसमें ट्राइंगल्स के
जो एनसीईआरटी जिन पर लिखा हुआ है और जिन पर सीबीएसई लिखा हुआ है, वो वाले सारे क्वेश्चन आप ट्राई करते जाओ, ठीक है। मैं इस वाले चैप्टर के बाद कौन सा बोल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री या कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट छोटा सा, कोऑर्डिनेट बहुत छोटा सा चैप्टर है तुम्हारा, कौन सा बता रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद कर देंगे, इसके बाद कर देंगे आसान। ए पी आएगा ना, करा देंगे, ठीक है। और ज़्यादा होगा तो ये कर लेंगे कि हम अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं आरडीओ से, ज़्यादा होगा तो आरडीओ से ना करके एनसीईआरटी में से कर लेंगे, फटाफट बन जाएगा। ए पी कोऑर्डिनेट दोनों छोटे छोटे चैप्टर है ना, हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करिए ना, इसमें आप जितने भी क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी या आरडी या सीबीएसई वाले मैंशन हैं, वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप बीच में भी पूछ लोगे ना मेरे से, मान लो मैं कोऑर्डिनेट करा रहा हूँ, आप बीच में भी ये पूछ लेंगे ट्राइंगल्स के डाउट, मैं करवा दूँगा, ठीक है। चलिए जब मैं अगला देखता हूँ, जरा एग्जाम्पल नंबर 25 देखिए, उनका गिवन फिगर इफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, AC is equal to 8 cm AC is equal to 8 cm and AD is equal to 3 cm comma find BD. ACB is equal to angle CDA. Angle ACB, ये पूरा angle is equal to angle CDA, ये इस वाले angle के equal है. AC is equal to 8 cm, ये जो AC है ये 8 cm. And AD is equal to, ये जो AD है इतना सा, ये 3 cm. Find BD, वो कह रहे हैं BD बताइए कितना, ठीक है करते हैं इसको। ये है, अब आप ये देखिएगा कि हमको एक फिगर में दे रखा है एंगल एसीबी और एंगल सीडी है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई है, जो एंगल एसीबी है ये पूरा इस बड़े ट्रायंगल का हिस्सा है, ट्रायंगल एबीसी का, और ये जो एंगल एडीसी बोलो या सीडीए बोलो, ये छोटे ट्राइंगल का हिस्सा है। मेरे को दो ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सीडीए। देखिए इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सीडीए, हमने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। अब आप ये देखिए, जब हम ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं तो उसमें ये बड़ा एंगल लाई कर रहा है एंगल एसीबी, उससे पहले ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसमें भी ये एंगल ए लाई कर रहा है, ये वाला, और जो छोटा ट्राइंगल है सी डी ए इसमें भी ए लाई कर रहा है। तो हम ये कहेंगे एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन एंगल, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन एंगल, सही है। एंगल बी एस सी इज इक्वल टू एंगल सी डी, उसके बाद लिखे हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए,
सब्ट्रैक्ट भी लिखिएगा गिवन भाई ये दे रखा है, दो एंगल इक्वल आ गए तो क्या लिखेंगे भाई, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल सिमिलर होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा बताइए, देखिए ये वाला है इसका एंगल ए और इसका भी एंगल ए, यहाँ पर लिखिए ए और इधर भी लिखिए ए, इसका एंगल सी इक्वल है इसका एंगल डी इक्वल है, तो सेकंड प्लेस पर लिख दो सी इसके सेकंड प्लेस पर लिख दो डी, तो ए सी ले लिया मैंने किस में से ए बी सी में से, मैंने ए सी ले लिया, बचा हुआ अल्फाबेट क्या है बी, आपकी मर्जी है बी को लास्ट में लिख दो सबसे पहले, मैंने तो लास्ट में लिख दिया एंगल ए सी, इस वाले का बचा हुआ अल्फाबेट क्या है आपने ए और डी लिख दिया, बचा हुआ अल्फाबेट है सी उसको भी लास्ट में लिख दो, इसका बचा हुआ अल्फाबेट बी था उसको आपने लास्ट में लिखा तो इसका बचा हुआ अल्फाबेट सी है तो उसको भी लास्ट में लिखेंगे थर्ड प्लेस पर, इस तरह से ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ए डी सी ये हमारा सिमिलर हो गया, अब आपका सीक्वेंस गलत नहीं होगा, इसमें सीक्वेंस समझ गए कैसे करना था, सबसे पहले इसका एंगल ए और इसका एंगल इक्वल है तो इधर लिखा ए तो इधर भी लिख दिया ए, फिर इसका एंगल सी और इसका एंगल डी इक्वल है तो सेकंड प्लेस पर सी लिखा तो इसमें भी सेकंड प्लेस पर डी लिख लिया, सी और डी इक्वल है तो सेकंड प्लेस पर सी और डी लिख लिया, फिर बचा हुआ अल्फाबेट क्या है इसका बचा हुआ अल्फाबेट आपने ए और सी लिख लिया था तो बचा हुआ अल्फाबेट क्या है बी, तो बी को आपने थर्ड प्लेस पर लिख लिया, इधर आपने ए और डी लिख लिया था तो ए और डी लिख लिया, इसका बचा हुआ अल्फाबेट सी है तो सी को भी थर्ड प्लेस पर लिखा, हो गया ये करने के बाद में ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल ए डी सी के सिमिलर हो गया, तो जब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो अब आप साइड्स का रेशो लेंगे, साइड्स का रेशो, साइड्स का रेशो क्या होता क्या लेंगे भाई पीछे, हाँ हाँ ये समझ में आ गया, आज ध्यान नहीं है पढ़ाई में देख रहा दिखाई कैसे दे रहा है, तुम इधर इधर बैठ जाओ, यहाँ से दो लंबी लंबी लड़कियाँ लड़ रही हैं बीच में दिख रहा है, ए सी बी और ए डी सी दिख रहा है कैसे करा, हम क्या करते हैं सेम टाइप की पलटी बांध सकते हैं इसमें, जैसे ए डी सी लिखा हुआ है इस ए को ले आओ लास्ट में क्या बन जाएगा, आपके अंदर सी डी है तो सी डी ए क्या हो गया उल्टा लिख दिया आपने तो इधर भी इसको बी सी ए लिखा पड़ेगा, तो क्या हो गया वो तो गलत हो जाएगा, हमको तो ये देखना है कि दो एंगल्स लिए ठीक है, तुमने क्या लिखा है क्या लिखा था इधर सी डी ए लिखा है उधर ए सी बी लिखा है ना, वो तो गलत हो जाएगा, उसका रीज़न पता है क्या, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए सी बी लिख लिया, ए सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए, इसमें पता है गलती क्या हो जाएगी, पहले प्लेस पर ए है उधर पहले प्लेस पर सी है तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा जो कि गलत है, ट्राइंगल ए सी बी का ए सी बी बड़ा ट्राइंगल इसका एंगल ए तो ये है और ट्राइंगल सी डी ए का एंगल सी तो ये हो जाएगा, ये छोटा हुआ तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इस वजह से ये गलत हो गया, जैसा बता रहा हूँ बस वैसा करिए, आप अल्फाबेट पकड़ कर चलो, इसका एंगल ए और इसका एंगल ए इक्वल तो पहले इधर ए लिखा फिर इधर ए लिखा, फिर दूसरा देख लिया इसका एंगल सी और इसका एंगल डी इक्वल और दूसरे प्लेस पर सी लिखा इधर दूसरे प्लेस पर डी लिखा, बचा हुआ अल्फाबेट इसका क्या है बी, बी को लास्ट प्लेस पर लिख दिया, इसका बचा अल्फाबेट सी इसको लास्ट प्लेस पर लिख दिया, ठीक है कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना इसको नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सर, बस सीक्वेंस का ही खेल है ट्राइंगल्स में, सिमिलैरिटी में और कुछ है नहीं, सिर्फ सीक्वेंस अगर सही आपको पता है तो सही कर जाए, अब इसके बाद अब जब मैंने सही सीक्वेंस से इसको डिराइव कर लिया तो मुझे इसको फिगर को देखकर चक्कर आने की जरूरत नहीं है, मेरे को क्या करना है मेरे को इन्हीं को पकड़ लेना है, बस पहला दूसरा अल्फाबेट क्या ए सी और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या ए डी, ठीक है ए सी अपॉन ए डी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है सी बी और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है डी सी, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है ए बी और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट है ए सी, सही है अब क्या करिएगा अब वैल्यूज डालिए जो जो मेरे पास हैं, मेरे पास ए सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर लिखो 8, मेरे पास ए डी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर लिखिए 3, उसके बाद मेरे पास सी बी की वैल्यू कुछ नहीं है तो लिख दो ऐसे सी बी, और मेरे पास डी सी की वैल्यू भी नहीं है तो लिख दो डी सी,
फिर ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी की वैल्यू इसको एक्स मान लो बी डी को, तो लिखेंगे 3+x और ए सी जो है अगेन ए सी है, तो ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर, बताइए क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सी बी और डी सी मेरे पास नहीं, तो इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं पहला रेशियो और आखिरी रेशियो इसको इक्वल लिख लूँगा, ठीक है। और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी डी, बी डी को मैंने एक्स मान लिया, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे कोई बच्चा एनसीईआरटी लाया अभी, एनसीईआरटी है, चलिए जी, तो क्या करेंगे 8/3 इज इक्वल टू 3+x/8 मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3+x इज इक्वल टू 8 × 8 3 दे, ठीक है। तो भाई इसके ना आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, क्योंकि इसमें और कोई नया टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक हमारा थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और एक थ्योरम और एक जो टॉपिक है हमारा वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब इसमें क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, भरे पड़े हैं, ठीक है। तो आप उठाइएगा, आर डी उठाओ या आर एस उठाओ, एन सी आर टी के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे जितने हमने करें, आर डी आर एस उठाइए, उसको जिस जिस पर लिखा हुआ है सी बी एस ई 2012 2013 2014 जहाँ सी बी एस ई लिखा हुआ दिखाई दे वो क्वेश्चंस करें, और डाउट मेरे से आप रेगुलरली पूछ लो, जो जो बच्चा करता जा रहा है वो डाउट पूछो। कुछ बच्चों की ये आदत है कि लेकर बैठे हुए हैं क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो जिस टाइम बाई चांस आपके दिमाग से निकल जाए, जिस टाइम आपको क्वेश्चन उठेगा आप फोटो खींचो भेज दो, क्लास में रिमाइंड करा देना कि सर फोटो भेज रखी है, तो वो क्वेश्चन करवा दूँगा, कोऑर्डिनेट्स मटेरियल स्टार्ट कर दूँगा।